कार्तिक आर्यन स्टार चंदू चैंपियन का ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड भाई साहब क्या गजब बेहतरीन लेवल का ट्रेलर निकला ये। मतलब ये तो पता था कि ये मूवी इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज में से एक है, स्पेशली बिकॉज ऑफ कार्तिक आर्यन हु विल बी सीन इन दिस मूवी इन अ नेवर सीन बिफोर अवतार। बट बंदे का इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन और डेडिकेशन देखने को मिलेगा, दैट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मतलब कितनी सारी जगहों पर मैं कार्तिक को कार्तिक आर्यन की तरह देख ही नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था ऑल टुगेदर कोई एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। यस, बहुत कुछ पिक्चर के डायरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एक एक्टर के अंदर से उसका किस लेवल का बेस्ट निकाल सकता है, बट अल्टीमेटली उस एक्टर के अंदर भी वो कैलिबर होना चाहिए कि डायरेक्टर के उस विजन को वो अचीव कर सके। एंड यहाँ पर कार्तिक आर्यन मेरे को ठीक वही करता हुआ नजर आ रहा है। इस ट्रेलर को देखकर अभी से साफ साफ पता चल रहा है कि कार्तिक आर्यन और कबीर खान का ये डेडली कॉम्बो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कोहराम मचाने वाला है। जहाँ प्यार का पंचनामा एंड सोनू टीटू स्वीटी जैसी मूवीज के साथ कार्तिक ने अपनी एक स्वीट मोनोलॉग बॉय की इमेज बना ली थी, वहीं ऐसा लग रहा है कि कार्तिक इस मूवी के साथ कार्तिक आर्यन द वर्सेटाइल एक्टर का टैग भी अपने नाम पे करवाने वाले हैं। मूवी के अंदर एक 8 मिनट का वन टेक एक्शन सीक्वेंस है जिसकी एक छोटी सी झलक हमें इस ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिल जाती है। ऑल्सो ट्रेलर के एंड में कार्तिक आर्यन हमें एक ओल्ड अवतार में नजर आते हैं, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि हमें इस मूवी के अंदर चंदू की प्रॉपर लाइफ जर्नी देखने को मिलने वाली है। ये मूवी लार्जली इंस्पायर्ड होने वाली है इंडिया के पहले पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की लाइफ से, जो वैसे तो यंग एज से एक एस्पायरिंग रेसलर रह चुके थे, बट एक वॉर के दौरान उनको 9 बुलेट्स लग गई थी जिसकी वजह से वो काफी साल हॉस्पिटल के अंदर कोमा में रहे थे। और इसके बाद ना ही उन्होंने सिर्फ मौत को चकमा दिया बल्कि अपने नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड एंड विल पावर के चलते एक सॉलिड कमबैक मारा एंड अपने अचीवमेंट्स के जरिए पूरे देश को प्राउड भी फील करवाया। एंड इस ट्रेलर को देखकर अभी से ऐसा पता चल रहा है कि कबीर खान एंड कार्तिक आर्यन ने इस पिक्चर के ऊपर कितनी ज्यादा मेहनत करी हुई है एंड वो किस कदर इस कैरेक्टर को फुल जस्टिस देने वाले हैं। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये मूवी आप लोगों को जितना ज्यादा इंस्पायर करेगी उतना ज्यादा इमोशनली मूविंग भी होने वाली है। ऑल्सो द सिनेमेटोग्राफी एंड लोकेशन शोन इन द ट्रेलर लुक्स एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। मतलब कि पिक्चर का स्केल एंड कैनवस कितना ज्यादा ह्यूज होने वाला है उसका भी अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है। एंड काफी सारे लोगों को ये बात भी पता होगी कि डायरेक्टर कबीर खान को खुद पर्सनली रियल लोकेशन पे शूट करने में ज्यादा मजा आता है रादर देन रिलाइंग ऑन द वीएफएक्स टू कीप थिंग्स एज ऑथेंटिक एंड रियल एज पॉसिबल। तो ओवरऑल चंदू चैंपियन का ट्रेलर लुक्स एब्सोल्युटली स्मैशिंग। ऑलमोस्ट हर एक चीज जो इस ट्रेलर में देखने को मिली है वो एक सॉलिड अच्छी वाइब्स देती हुई नजर आ रही है, स्पेशली कार्तिक आर्यन जिस अवतार के अंदर इस मूवी में नजर आने वाले हैं उसके चलते इस मूवी को एक शोर शॉट ब्लॉकबस्टर होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो बस आज के रिव्यू में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खुशहाल के विचार।